सो गाइस, आज डॉक्टर ने थोड़ा सा हमारा फेवर किया। 99% नॉर्मली हो, जिससे कि सुविधा रहती है थोड़ी, और बाकी तो समय पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा कुछ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज फिर से मेरी डॉक्टर के साथ विजिट है, एंड आई होप ये लास्ट विजिट हो। लास्ट मतलब डिलीवरी डेट से पहले। इसका मतलब है कि अब बहुत कम टाइम रह गया है बेबी के आने का। जो जर्नी होती है ना, 9 मंथ आते ही सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। वैसे तो बोलते हैं कि 9 पूरा टाइम निकल जाए फिर ही डिलीवरी हो तो अच्छा है। कुछ पहले हो जाते हैं, कुछ बाद में हो जाते हैं, लेकिन ना समर्स में बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है बाहर जाना। इस टाइम वेट इतना बढ़ चुका होता है, खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है, वॉशरूम अलर्ट्स बहुत ज्यादा होते रहते हैं। सब जगह वॉशरूम यूज भी नहीं कर सकते। हॉस्पिटल्स में तो क्लीन रहते हैं, बट फिर भी ना मुझे अपने घर में ही ज्यादा रिलैक्स लगता है। 9 मंथ में मेनली मूवमेंट पे ही हमें ध्यान रखना होता है। अब कैसे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होंगी जब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वैसे यूट्यूब पे सुनती रहती हूँ और अपने पेरेंट्स से बड़ों से पूछती रहती हूँ जिनकी अभी डिलीवरी हुई है। मेरी बहुत सारी कजन्स हैं जिन्हें हमारा साथ साथ ही सबका डेट था। आज मैं जाऊंगी, थोड़ा बहुत तो कुछ चटपटा सा खा के आऊँ जो मेरा मन कर रहा है बहुत ज्यादा खाने का, क्योंकि बोलते हैं आफ्टर डिलीवरी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है। तो ना मैं सबसे बोल रही हूँ कि जो मैं बाद में नहीं खा पाऊंगी तो मुझे आज खिला देना, ऐसे घर में भी हो रहा है। तो उनसे बोल रही हूँ कि मुझे ये खाना है वो खाना है, बाद में खा पाऊंगी खा पाऊंगी। देखते हैं, जहाँ पर हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होगा और अच्छा मिलेगा वहीं खाऊंगी। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या खाया, इनफैक्ट आपको दिखाऊंगी मैंने क्या खाया। तो मैं बस चलती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए ब्रेकफास्ट में हमने आज आलू का परांठा बनाया है, कटहल बनाया है और साथ में थोड़ी सी दही। सुबह चाय पीने में बहुत गर्मी सी लगती है, इसलिए ठंडी ठंडी दही मुझे बहुत पसंद है, तो मैं दही ही लेती हूँ मेनली ब्रेकफास्ट में। गाइज, आज डॉक्टर ने थोड़ा सा हमारा फेवर किया। उन्होंने हमसे ना बोला कि आप शाम को आ जाना, आफ्टरनून में मत आओ, बहुत गर्मी है। एक्चुअली जाने से पहले ना हमने उन्हें कॉल कर लिया था, तो उन्होंने बोला कि अभी बहुत गर्मी है, शाम को आ जाइएगा, मैं शाम को मिल जाऊंगा। तो बस हम अभी जा रहे हैं, लेकिन ना आज का पूरा दिन जो है वो वेस्ट हो गया है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाए इस चक्कर में कि हमें जाना है जाना है। सुबह ही हमने ना पूरा लंच तक पूरा प्रिपरेशन कर दी थी, ब्रेकफास्ट भी बना दिया था, लंच भी पैक कर लिया था कि आके गर्मी लगेगी दोबारा सब कुछ करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। सब कुछ करके दोबारा जा नहीं पाए थे। अब हम जा रहे हैं, 7 बज गए हैं। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन क्या सजेशंस देते हैं, वो सब मैं आपको वहीं दिखाऊंगी और आपसे बातें करूंगी कि उन्होंने मुझे क्या बोला। बस चलते हैं, हम निकल रहे हैं बस। तो गाइज, हम घर से निकल चुके हैं, गाड़ी में हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम सब साथ ही हैं। तो मैं मम्मी से कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, तो उनसे मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन होगी। अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो हम जहाँ तक हो डॉक्टर से यही बात करेंगे, भाई जहाँ तक आप कोशिश यही करिए कि 99% नॉर्मली हो, जिससे कि सुविधा रहती है थोड़ी, और बाकी तो समय पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा कुछ चांस होगा तो उनको ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल में जो है हम थोड़ा सा अच्छा रहता है जच्चा के लिए, और बेबी में बेटा हो बेटी हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी हो अच्छा हो स्वस्थ हो। हम बस उनसे इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि नॉर्मल होगा तो हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे, ऑपरेशन हाँ। होगा तो इसलिए कंसर्न है थोड़ा सा, बाकी तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं होती, सब कुछ बच्चा को अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, सब कुछ होता है। और अच्छा, ऑपरेशन में डॉक्टर लोग घी शुगर कुछ देने से मना करते हैं, वो कहते हैं अभी चिकना चीज नहीं देनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं और थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। और नॉर्मल में तो वही ये है, 8 दिन के अंदर एकदम बच्चा स्वस्थ होने लगती है। नॉर्मल में हमें कम टाइम लगता है और उसमें थोड़ा सा टाइम रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो गाइस, अब देखते हैं क्या होगा, डॉक्टर क्या बोलेंगे। तो वहाँ जा रहे हैं, आपको मैं बताऊंगी थोड़ी देर में डॉक्टर ने क्या
मेडिसिंस प्रिस्क्राइब करा, अल्ट्रासाउंड होता है लास्ट मंथ में एक, वो हमें अभी करवाना है, कुछ दिन बाद करवाना है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट ही विजिट हो, लेकिन डॉक्टर बुला भी सकते हैं, 9 मंथ में वीकली बुलाते हैं वो चेक करने के लिए। तो जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी। अब हम पहुँचने वाले हैं डॉक्टर के पास, मिलते हैं आपसे। एक सौ एक पॉइंट आठ क्या बीपी सही है? सिस्टर चेक करती है, वो अभी बैठी हुई थी यहाँ पर। ये वेट मशीन है, ये मशीन पर पल्स रेट चेक की जाती है, बीपी चेक किया जाता है। सो गाइस, डॉक्टर को दिखा दिया है, थोड़ी सी टेंशन कम हुई है। अभी उन्होंने बोला है यू हैव 15 डेज, आप रेस्ट करो आराम से, भगवान में विश्वास रखो, जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन इस बार ना मेरी पल्स रेट और बीपी सब थोड़ा ज़्यादा आया है, लेकिन उन्होंने बोला ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। लास्ट टाइम में ऐसा हो जाता कि बच्चे का वेट ज़्यादा हो गया, बच्चा पूरा डेवलप हो चुका है, इसलिए उन्होंने बोला कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमने उनसे बोला कि इनसे घर में बोलते हैं कि लास्ट में पोछा लगा लो, कुछ कर लो। बोला अभी मत लगाओ, अभी अगर पेन स्टार्ट हो गए तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, तो वेट करो, मैं जब बताऊंगा जब ही करना। और कुछ दवाइयाँ वही ओमेगा की, कैल्शियम की, ये सब दवाइयाँ उन्होंने प्रिस्क्राइब करी है। और मैंने उनसे लिस्ट का भी पूछा था, लिस्ट का उन्होंने बोला कि हम आपको यहीं से सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, आपको बस अपने बेसिक क्लोथ्स रखने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं रखना। मतलब यहीं से मुझे डिलीवरी किट मिलेगी जिसमें बच्चे का जो ऑयल होता है और जो बच्चे के रैशेज वाली क्रीम होती है, तो वो सब यहीं से मिलेगी, हमें कुछ अरेंज नहीं करना है। अब उसका क्या कॉस्ट है क्या नहीं, सब लास्ट में ही मालूम चलेगा। अब बस हम घर जा रहे हैं, अगर कुछ रास्ते में कुछ खाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा मन करता है कुछ खाने का बाहर का, कुछ अगर शॉप खुल, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं, शॉप कोई खुली होगी तो हम जरूर खा के जाएंगे। आपको दिखाती हूँ मैंने क्या खाया। गाइस हमारा खाना आ चुका है, खाने में आया है प्लेन चपाती है, 2 सब्जियां हैं, दाल मखनी और बटर मसाला और ये अनियन सेट्स। हमने गार्लिक नान भी ऑर्डर किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है मेरे पीछे, तो इसलिए इन्होंने हमारे गार्लिक नान जो है वो कैंसिल कर दिए हैं। बोले कि बहुत टाइम लग जाएगा तो गार्लिक नान नहीं मिल पाएंगे, तो इन्होंने स्टफ नान हमने ऑर्डर करे हैं, स्टफ नान बोल दिया कि नहीं मिलेगा, तो प्लेन बटर नान मंगवाए हैं। अब खा के बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। बाकी जब हम आए थे तो खाली था, बट अब धीरे धीरे जो रश है वो बढ़ता जा रहा है।
सो गाइस सब्जियां दोनों अच्छी हैं, पनीर बटर मसाला और दाल मखनी। और नई मिंट वाली चटनी मुझे अच्छी लग रही है, ये कर्ड मिंट और कोरिएंडर की मिक्स चटनी है, बहुत टेस्टी है। ओवरऑल खाना अच्छा है। गाइस अब हम घर जा रहे हैं, खाना हमने खा लिया है। खाना ओवरऑल अच्छा था, पनीर बटर मसाला मुझे ना थोड़ा सा मीठा मीठा सा लगता है, मुझे कढ़ाई पनीर ज़्यादा पसंद है। और दाल मखनी अच्छी थी, और मुझे गार्लिक नान नहीं मिला, प्लेन नान मिला। बट प्लेन नान भी अच्छा था, ऐसा नहीं था कि गंदा था, क्वालिटी अच्छी थी। भीड़ होने के बाद भी क्वालिटी सही दिया इन्होंने। अगर आप लोग आगरा में हैं तो ये सिकंदरा पे पड़ता है इनका आउटलेट, आप आइए और इन्जॉय कीजिए।